नमस्कार दोस्तों, आज मैं अंकिता आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। ये इतनी आसान रेसिपी है कि जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बेसन के लड्डू, वो भी बिना घी और बिना चाशनी के। इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। 3 बड़े चम्मच हम लेंगे फ्रेश दूध की मलाई और ये हमने लिया है फूड कलर। आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 बड़े चम्मच मैंने सूजी ली है और ये मैंने सूखे नारियल का वाइट हिस्सा निकाल के उसको मिक्सी में बारीक पीस कर ले लिया है। और ये लिए है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, पिस्ता और खरबूजे के बीज। और ये मैंने चीनी का पाउडर लिया है स्वाद अनुसार। ये मैंने पैन ले लिया है, इसमें अब हम डालेंगे बेसन और इसको हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं किया। और देखिए बिना घी के ये कितने स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। हम इसे चलाते हुए इस तरह से धीमी आंच पर 2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए 2 मिनट मैंने बेसन को भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सूजी। मैंने 4 बड़े चम्मच सूजी डाली है। आप इसी नाप से सारा सामान डालेंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब सूजी को भी हम बेसन के साथ भून लेंगे। इसे हमें धीमी आंच पर ही भूनना है ताकि बेसन और सूजी का कच्चापन निकल जाए और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। जैसे जैसे बेसन भुन रहा है इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट। आप चाहे तो इन्हें बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम लड्डू की एक बाइट लेते हैं और हमारे मुंह में ड्राई फ्रूट आते हैं तो उनका तो लड्डुओं का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक पिसा हुआ नारियल। नारियल को भी हम मिला लेंगे इसी में। अब बेसन अच्छे से भुन गया है। आप देख रहे होंगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सबसे बढ़िया बात ये है कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। अब हम बेसन में 3 चम्मच मलाई डालकर देखते हैं। अगर हमें ज़रूरत लगी तो बाद में हम और मलाई डाल देंगे। देखिए मैंने 3 चम्मच मलाई डाल दी है। अब हम इसे बेसन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैंने इसमें अच्छे से मलाई मिक्स कर दी है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो हम इसमें 2 चम्मच मलाई और डाल देंगे और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। आपका मन हो तो आप इसमें फूड कलर डालिए, नहीं मन हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
बिना फूड कलर के भी इसमें बेसन की वजह से एक प्यारा सा येलो कलर आ जाता है। अब हम फूड कलर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार मीठा डालेंगे। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं इसमें उतना ही मीठा डाल लीजिए अपने स्वाद के अनुसार। मुझे लड्डू थोड़े ज़्यादा मीठे पसंद है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा मीठा डालूंगी। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आप, हमारा जो मिक्सचर है मीठा डालने के बाद थोड़ा सूखा सूखा हो गया है, तो इसके लड्डू बनाने के लिए तो हमें इसे गीला करना पड़ेगा। और इसको गीला करने के लिए हम इसमें डालेंगे दूध। इसमें हमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा दूध हमें एक साथ नहीं डालना है। एक साथ ज़्यादा दूध डालने से ये पतला हो जाएगा, इसलिए चम्मच की सहायता से हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। मैंने इसमें 3 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए हमारा लड्डू का बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले लेंगे और इस तरह से इसको दबाते हुए इसका गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए लड्डू बनकर तैयार है। बाकी के लड्डू भी हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए सभी लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इसे तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारा लड्डू कितना नरम बनकर तैयार हुआ है। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक